दिवस है जिसके लिए मैं कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ चीजें कहना चाहता हूं। मिर्गी वास्तव में एक दिमाग की नसों से उपजने वाला रोग, और इसको अंग्रेजी भाषा में या डॉक्टरी भाषा में एपिलेप्सी भी कहते हैं। साधारण भाषा में पब्लिक इसको मिर्गी का दौरा कहती है। इसका मानसिक तनाव से कोई संबंध नहीं है, ये एक प्रकार की बीमारी है। ये कोई ऊपरी चक्कर प्रेत बाधा नहीं है। इसको बीमारी समझकर इसको उसी प्रकार इलाज कराना चाहिए जैसे दूसरी बीमारी। हर प्रकार की मिर्गी के दौरे में बेहोशी नहीं आती, कुछ में बेहोशी आती, कुछ में बेहोशी नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेहोशी नहीं आ रही तो वो एक प्रकार का दौरा नहीं हो सकता, और ये दौरा किसी भी उम्र में हो सकता। तुरंत पैदा हुए बच्चे में भी दौरे की शिकायत हो सकती है, कम उम्र के बालक को भी ऐसा हो सकता है, यंग एज में भी ऐसा हो सकता है, और किसी भी उम्र बुजुर्ग में भी इस प्रकार की परेशानी हो सकती है। हाँ, ये जरूर निश्चित है कि सब में कारण अलग अलग, कुछ दौरे के कारण है जिसमें निश्चित रूप से हम उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सावधानी नहीं तो उससे बचा जा सकता है। एक तो रोड एक्सीडेंट से हेड इंजरी जो होती है, तो उसके बाद दौरे की शुरुआत हो सकती है। तो अगर हम सारी सुरक्षा लें, एक्सीडेंट से बचें, तो एक प्रकार के दौरे के कारण से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल छोड़ दें, क्योंकि तो उससे भी कभी कभी दौरे की शुरुआत हो सकती है, या कुछ नशे की दवाइयाँ अगर आप लेते हैं, नींद की दवाइयाँ लेते हैं, उससे दौरे की शुरुआत हो सकती है। आप खाने में सफाई रखें, बाहर की खुली चीजें ना खाएं, साफ पानी पिएं, उससे भी जो ब्रेन में इंफेक्शन होता है उससे आप बचाव कर सकते हैं, जिससे उससे होने वाले दौरों से आप बचाव कर सकते। तो आपको आपके पड़ोस में, रिश्तेदार में, पड़ोस में कहीं भी अगर दौरे का शिकायत जाए, तो उसको ऊपरी चक्कर ना समझ के आप न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनके कहे अनुसार जांचें कराएं और उनके कहे अनुसार इलाज कराएं, जिससे आपका जीवन एक सफल जीवन हो सके और जीवन में गुणवत्ता आ सके।